सिंपल, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम राजीव एंड ही सेड कि मैं बिहार से हूँ और मैं एक जहानाबाद नाम का वेब सीरीज बना रहा हूँ। तो जहाँ जहानाबाद मेरी जिंदगी की त्रासदी ये रही है कि इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन मुझे बिहारी या बिहार बेस्ड स्टोरी प्ले करने को नहीं मिला। मेरा पहला जो था बाहुबली, जो प्रकाश झा ने बनाया था, उसके बाद मैंने कोई भी स्टोरी का हिस्सा नहीं रही हूँ जिसमें कि बिहार से रिलेटेड हो या बिहार बेस्ड कहानी हो। तो मेरा हमेशा से था कि यार बिहारी होकर, और इतना कंटेंट बन रहा है, आप देख रहे हो कि बिहार को लोग दिखा रहे हैं, तो आप, मैं हूँ और कर रही हूँ एक्टिंग लेकिन मुझे लोग अप्रोच नहीं कर रहे, तो एक मेरा मलाल तो जरूर रह रहा था। तो जब राजीव ने कहा कि जहानाबाद बन रहा है, तो मेरा पहला ही था कि अरे मुझे इसका हिस्सा बनना है क्योंकि ये बिहार की कहानी। दूसरा, उन्होंने एक नेक्स्ट लाइट एंगल है, मतलब आइडियोलॉजी की कहानी है, तो वो मेरा दूसरा बहुत बड़ा क्या कहें, प्रेम तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीता है इन लोगों के साथ, इस मूवमेंट के साथ। इप्टा से मैं रही हूँ तो मेरे भी जो अपब्रिंगिंग थी एक खास आइडियोलॉजी के तहत ही हुई है, तो विचारों से मेरा पुराना नाता रहा है। तीसरी बात, उसने 20 मिनट में ही पूरी कहानी उसने डिस्क्राइब कर दी और बोला कि ऐसे ऐसे कुमुद मिश्रा का रोल मैं चाहता हूँ कि आप करें। और अच्छी बात ये थी कि राजीव ने कोई ऑडिशन नहीं लिया मेरा, बोला कि मैम आप करना चाहेंगी तो हम बस थोड़ा सा पूछे कि कितने दिन का काम है, क्योंकि वो पूछने से आपको पता चलता है कि विजिबिलिटी कितनी रहेगी, रोल किस तरह का है। उसने बोला कि ये है तो ऐसे ही टिपिकल माँ ही है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि वो ऐसी वाली माँ नहीं है जैसे हम लोग देखते रहते हैं कि बड़ी शांत चुपचाप बैठी है, हस्बैंड रूल कर रहा है, घर का डिसीजन ले रहा है। बार बार बोलता था कि आप मेरी, ये जो कुमुद मिश्रा है मेरी माँ पे बेस्ड है, तो उसकी माँ जो है हमेशा डिसीजन मेकर रही है हर चीज में। उन्होंने आगे बढ़ के बच्चे की पढ़ाई से लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे सोशल गैदरिंग या जो भी घर का होता है, अमूमन की माँ बहुत ज्यादा फोर्थराइट है और बहुत ज्यादा उस तरीके से एक्टिव है। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ज्यादातर मैंने भी जो काम किया है उसमें जो वुमेन कैरेक्टर है वो ज्यादा सब्ड्यूड ही रही है, ज्यादा बैकग्राउंड में ही रही है, तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं, इसमें एक ऐसा शेड है जो कि मैं करना चाहूंगी, तो मैंने हाँ बोल दिया। और ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे पास इतने सारे ऑफर थे कि मुझे चुनना पड़ेगा, ऐसी भी बात नहीं थी। और ये मेरा दूसरा ही है, तो मैं चाह ही रही थी कि ओटीटी में कुछ मुझे मिले काम करने को, तो मैंने हाँ बोल दिया। चैलेंज वॉज हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो माँ का कैरेक्टर है वो इतना स्टीरियोटाइप होता है, और मुझे हमेशा कंप्लेन रहता है कि एक्चुअली हम लोग कैरेक्टर माँ कर देते हैं, ऐसा लगता है कि माँ कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, एक रिश्ता ही है जिसको बस प्ले करना है, कि उसकी दुनिया जो है, हम हमेशा कहते हैं कि मेरा भी बेटा है, 22 साल का बेटा है एंड आई ऑल्सो वरी अबाउट हिम, जो भी उसका वेलबींग का है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ वही नहीं है, देयर सो मेनी थिंग्स, देयर सो सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, माई कैरेक्टर, माई माई एज अ ह्यूमन बींग, तो उसको एक्सप्लोर करने बहुत कम ही आप देखेंगे वेब सीरीज में या फिल्मों में मिलता है। ज्यादातर माँ का क्या होता है, बच्चे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, इसी और जो खाना खा ले, इससे ज्यादा माँ को मेन स्ट्रीम में दिखाया नहीं जाता है, तो कड़प तो रहती हूँ इस तरह के कैरेक्टर हमेशा यही ज्यादातर मिलता है। तो ये जब राजीव चैलेंज यही था कि हालांकि ये भी वही है, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत अलग है, लेकिन इस महिला को भी कैसे इंटरेस्टिंगली हम प्ले करें कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है, वो मेरे लिए वो जरूर था, एक ऑथेंटिक लगे और बहुत सिंपल भी लगे, क्योंकि बहुत कोई लेयर्ड कैरेक्टर नहीं था जिसके लिए मुझे बैकग्राउंड या स्टडी उस तरह का करना है। और सिंस आई कम फ्रॉम बिहार, तो मेरा कंफर्ट जोन भी था, हालांकि ये 30 साल हो गए मुझे बिहार छोड़े हुए, और मैं वैसे बात भी नहीं करती, अगर तुम अभी मुझे बोलोगे हम करने, तो मेरा बार बार स्विच मैं हो जाता है, इट्स बीन शो में हम जा 30 साल सकते हैं, हाँ, शो तो में वो मुझे, कंफ्यूजन यस, नहीं होता है। तो मुझे थोड़ी तो भाषा पे काम करना पड़ा, ऐसा नहीं कहूंगी नहीं करना पड़ा, मुझे करना पड़ा उसको नेचुरल बनाने के लिए। और दूसरा किया, क्योंकि आई हैव अपब्रिंगिंग, अर्बन अपब्रिंगिंग, और मैं इतने सालों से बाहर हूँ, तो एक अर्बन सेंसिबिलिटी और अर्बननेस जो है वो पूरे इसमें आ गया है, व्यक्तित्व में आ गया है, तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये महिला जो है लगे कि एक छोटे शहर की, जहानाबाद की है। और बहुत बार प्ले करते हुए मैं अपनी माँ को या अपनी भाभी को, जिनकी अपब्रिंगिंग रही है गाँव से शहर आई है, उन लोग याद करके कुछ कुछ मैनरिज्म एक्सप्रेशंस मैं चाहती थी कि वो आए, तो लगता है कि कुछ कुछ तो मैंने, कुछ सक्सेसफुल हुई हूँ ये तो यही
और तो बहुत चैलेंजेस इसके इमोशनल डेप्थ जो, क्योंकि बहुत इंटेंस महिला है, कुछ सीन्स बहुत अच्छे कट गए जिसमें कि, और इसका ग्राफ दिखता आपको कि ये सिर्फ माही नहीं है, एक्चुअली शी टेक्स, शी गोज टू अभिमन्यु सिंह एंड शी कन्फ्रंट्स हिम, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम जहानाबाद में नहीं रहते तो हमको इस लव मैरिज से भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जहानाबाद में हम रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी यहीं बीती है और मेरे सारे रिश्तेदार नातेदार यहीं पे हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, ये खत्म करो, और माफी भी हम उससे मांगते हैं। ब्यूटीफुल सीन। कहते भी हैं कि एक्चुअली माँ जो है, माँ जो होती है बहुत स्वार्थी होती है, अपने बच्चों के लिए ही सोचती है, तो तुम बेटा तुम बुरा मत मानना इस बात का, यार वो सीन रहा नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे। वो लिमिटेड हाँ, नैरेटिव समझ में बस आया था शो में, ये सीन नहीं था शायद। सीन एडिट हो गया, वो जाके प्रणाम करते हैं, उसके बाद एक लंबा सीन था मेरा अभिमन्यु के साथ जिसका ये सब्जेक्ट यही था, जस्ट यही, तो यही बस यही चैलेंज रहा, और तो ऐसा कुछ, फॉर द टीम एंड फॉर द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, सेल्डम यू गेट टू मीट पीपल हु आर सो वार्म एंड रिस्पेक्टफुल। एक चीज जो मैंने महसूस किया कि राजीव और सत्यांशु जी, जो टीम भी थी और जो हमारे को एक्टर्स थे, वो इतना जेन्युइनली वी जेल टुगेदर कि अभी भी ऐसा लगता है कि वो सबसे खूबसूरत दिन रहा जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब हम लोग आउटडोर्स में थे तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग अकेले बैठे हो, जब भी समय मिला तो सब साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, घूमने साथ जा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतने साल से काम करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ आप सच में बहुत ज्यादा आपको वैल्यू दिया जा रहा है एज एन एक्टर, जो भी रोल हो, जब यू फील अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड अलॉट, वो मुझे बहुत अनयूजुअल और बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ, खासकर राजीव, सत्यांशु और सिमरत, उसको स्पेशली मैं मेंशन करूंगी क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसने, वो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, स्पेशली विद सीनियर आर्टिस्ट, हमेशा हमले, यार तुम इतना सीनियर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देती हो, ये इतना ख्याल रखती हो, दिस इज आई हैवन सीन, नहीं तो ज्यादातर आपको मेन प्रोटैगनिस्ट को आप देखते हैं कि बहुत ख्याल रखा जा रहा है, ये जो बड़ा नाम इनको ख्याल रखा जा रहा है, बट फॉर हर इट्स ऑलवेज, नहीं, जो लोग सीनियर है, सीनियरिटी इन द सेंस एज और द ईयर द वर्क, शी वॉज वेरी वार्म एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अस, आई रियली लाइक। How was it being a DU student hailing from Bihar? फॉर मी इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम, मैं बिहार में हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज में भी, तो मेरा मीडियम ऑफ जो भी इंस्ट्रक्शन रहा है शुरू से हिंदी ही रहा है, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल थी। जब डीयू में चली गई तो वहाँ सब कुछ, तो कल्चरल शॉक, आप पहली बार घर से बाहर जा रहे हो और सीधे आप कम्पीट कर रहे हैं स्टीफेंस की लड़कियों से, तो आई रियली हैड डिफिकल्ट टाइम डीलिंग विथ एक्चुअली लैंग्वेज प्रॉब्लम, मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि आई यूज टू क्राई अलॉट, मैं पापा को फोन करके बोलती थी मुझसे नहीं होगा, मैं फेल कर जाऊंगी, मुझे वापस बुला लीजिए आप। तो मेरे पापा ने कहा क्या होगा, बहुत होगा, आप फेल कर जाओगी, फेल कर जाना, इसमें क्या है, लेकिन देखो तो करके। एंड देन उस वक्त जीयू में बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला था, क्योंकि बहुत सारे बिहार यूपी के जो थे जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते थे, बोल सकते थे, तो हमारा एक मूवमेंट भी चला था कि जब आप एक्चुअली द कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इस देश का कि हम लोगों ने एग्जाम हिंदी में दिया, अगर मुझे ये पता होता कि सब कुछ इंग्लिश में ही करना है तो शायद मैं नहीं गई होती, एग्जाम हम लोगों ने हिंदी में दिया, पास में हिंदी में की हूँ, और वहां जाके सडनली आप बोल रहे हैं कि आप लिख भी सकते हो एग्जाम हिंदी में, इतना स्विच नहीं किया मीडियम, लेकिन जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से इंग्लिश, जो किताबें हैं वो पूरी तरह से इंग्लिश है, और स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, मास्टर का जो हिस्ट्री करके आई थी, बीए का हिस्ट्री और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इट्स मतलब क्या कहें, इट्स मैसिव डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स। सो फॉर मी इट वाज फॉर अ ईयर आई डिडंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई वाज जस्ट गोइंग हियर एंड देयर, प्रोफेसर्स के पास जाते थे, सर एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, सर समझ में नहीं आया नोट्स दे दीजिए, इट वॉज अ बिग स्ट्रगल फॉर मी, सो मुझे लगा कि मैंने, और एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप हमेशा सोचते हो कि आप इंफीरियर हो और दूसरे लोगों से, जो कि बहुत ही दुखदाई भावना है, मतलब मुझे सबसे अधिक स्ट्रगल वही लगता है कि मुझे लगता था कि मैं इंफीरियर नहीं हूँ, आई ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जस्ट आई डोंट हैव कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, मुझे ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ा है, और जुरा माहौल था, लोग जिस तरीके से देखते थे, टीचर्स आपको जिस तरीके से ट्रीट करते थे, बाकी स्टूडेंट जिस तरह से आपको ट्रीट करते थे,
दैट वॉज अ स्ट्रगल, बट आई एम हैप्पी कि मैं वहां रही, रुकी और मैं पास भी कर गई। सेकेंड डिविजन से मैंने किया भी मास्टर्स। और तो अब वो कॉन्फिडेंस जरूर है कि अच्छा चलो भाई। बिहार और उस रीजन में नक्सलाइट मूवमेंट की बात अगर आप कर रहे हैं तो इट इज आल्सो अ लॉट टू डू विथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हैव यू सीन और एक्सपीरियंस्ड सच डिस्क्रिमिनेशंस विथ यू अराउंड यू? Not with me because I am that way very privileged. So, no, not with me, but around me, yes. Growing up in Bihar and you can't escape this caste dynamics. Club, everywhere. कितने भी हम लोग sophisticated पढ़े लिखे कह दे, लेकिन caste discrimination तो आपके घर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके घर में, मेरे भी नानी घर में जब मैं जाती थी तो देखती थी कि जो लोग हैं, जो लोग हमारे खेत में काम करते हैं या घर में, उनको क्या ट्रीटमेंट मिलता है, या उनके साथ कैसे हमारा रिलेशन है, या वो गांव के बाहर रहते हैं, वो एक पॉइंट के बाद घर के अंदर नहीं आ सकते। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, एज आई टोल्ड यू कि मेरे घर में, क्योंकि चूंकि हम लोग बहुत उस तरीके से लेफ्टिस्ट और प्रोग्रेसिव लोग थे, तो हमारे घर में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बोथ ऑफ माई सिस्टर हैव मैरिड मुस्लिम गाइज, तो मेरा घर बहुत ही उस मामले में फ्री है और भी। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है। राजपूत, मेरी बहुत सारी दोस्त थी राजपूत, और जो दोस्त दलित वर्ग से थी या उस उनका जो एक तो पता नहीं चलता था, आपको ऐसे नहीं पता चलता है कि कौन है, लेकिन आपको दूसरे लोगों के बिहेवियर से पता चल जाता है कि देर इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि आप मान लो कोई बोली कुमारी, मेरा नाम रेखा कुमारी है, तो ये मेरे दिमाग में या हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं आता था कि अच्छा ये कुमारी है तो ऐसे ही होगा, बहुत लड़कियों का नाम हाँ रेखा कुमारी हो सकता है। हाँ ओनली व्हेन यू फिर एनकाउंटर अदर पीपल देन यू रियलाइज व्हेन यू सी द रिएक्शन ऑफ द दैट पीपल देन यू नो, अच्छा ओके, इज दिस द वे दैट दे गेटिंग ट्रीटेड और ट्रीट देम। तो ये तो श्वेता, बिहारी होके आप स्किप कर ही नहीं सकते। मुझे पता नहीं दूसरे राज्यों में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पे, यहाँ भी है, ऐसा नहीं कहूंगी, यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट आइडेंटिटी प्ले होता है। मैं तो कैंपस में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि है, सरफेस लेवल पे नहीं है, सब लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीप डाउन कहीं तो इन योर करियर बालिका वधू एंड नाना इज दिस लाडो दीज वर वेयर यू हैड योर जम्प स्टार्ट एंड दीज वर ऑल्सो शोज दैट स्टार्टेड ऑफ एज रियली प्रोग्रेसिव वंस। आई फील दे डेफिनेटली डिप्ड समवेयर डाउन द लाइन मे बी ड्यू टू द रैट रेस और वट एवर बट they start and that was the time when TV content was very experimental compared to what we had been seeing watching on TV before 2000s ka era. Do you see any change in the TV content that we have now? To be very honest, I have stopped watching TV. It's been after 2016, I haven't opened my TV. I have stopped watching it. So I won't be able to tell you exactly what is the, but the kind of call for this stories I get ki ma'am aisi kahani hai, isme ek aisa role hai. So for TV, it's very difficult because it's such a wide spectrum. Itne sare channel, itne tarah ka content banta hai. कि कोई भी ये कह देना कि जब एकता कपूर बना रही थी तब लाडो भी था और तब बालिका वधू भी बन रहा था, और एकता कपूर भी अपना बना रही थी जिसमें कि किचन पॉलिटिक्स और वेरी टिपिकल रेग्रेसिव कंटेंट यू यूज्ड टू सी। तो इसलिए मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आई एम श्योर कि कुछ अच्छी कहानियां टीवी में अभी भी आ रही होंगी, लेकिन ज्यादातर जो डोमिनेटिंग कॉन्टेंट है वो तो जो है सो वो जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है, कुछ ज्यादा सेम बदला नहीं है कुछ। और अगर बदला भी है ना तो वो इतना इंस्ट्रूमेंटल होता है ना, इतना फ्रिवलेस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार मुझे पास कॉल आता है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ऐसे है वैसे है, पॉलिटिशियन है या लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका मुद्दा ये नहीं होता कि आप प्रोग्रेसिव स्टोरी दिखाइए। मुझे यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं टीवी से थोड़ा सा दूर हट गई कि एक्चुअली
उनका मुद्दा दूसरा होता है, वो जब चाहेंगे वो प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, जब चाहेंगे वो रेग्रेसिव हो जाएंगे, उनका कोई स्टैंड नहीं है। जैसे मार्केट का कोई स्टैंड नहीं होता, श्वेता, अगर इसको हम लोग इस तरीके से समझे कि मार्केट का कोई स्टैंड नहीं होता, उनको जहां फायदा मिलेगा, अभी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है देखो सारी प्रोग्रेसिव बातें कह रही है ना, कलर को लेकर, गोरा रंग से लेकर, लुक्स को, बॉडी को लेकर, सब लग रहा है कि कितनी फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रहा है मार्केट में, लेकिन एक्चुअली है नहीं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो प्रोग्रेसिव भी हो जाएंगे रिग्रेसिव भी हो जाएंगे। तो इसीलिए टीवी इज अ डिफिकल्ट मीडियम जहां पे आप अगर किसी खास तरह की आइडियोलॉजी या इसके साथ चाह रहे हैं काम करना तो मुश्किल है, क्योंकि आप जो सीन्स आपको मिलते हैं आप देख, मेरा ही कैरेक्टर जो बालिका वधू में था बहुत कन्वीनियंटली जब चाहते थे उसको बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बना देते थे, और कभी चाहते थे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बना देते थे, तो बहुत बार क्रिएटिव से लड़ाई भी होती थी कि भाई ये क्या बात हुआ, अभी इस 2 एपिसोड पहले मैं ये कह रही हूँ, 2 एपिसोड बाद मैं ठीक उसका उल्टा कह रही, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन टीवी इज अ मीडियम वेयर यू कांट आर्ग्यू, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, यू कांट आर्ग्यू विथ एनी बडी। अगर चैनल करे तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो एकदम ही पावरलेस पीपल हैं। आई एम रेडी टू एक्सपेरिमेंट, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। आई गो फॉर वर्कशॉप, पैंडेमिक मैंने 2 वर्कशॉप किए, मेरे पास यंग, अभी मैंने अचल मिश्रा है, बिहार का एक फिल्म मेकर है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन हिज वर्क, इफ यू हैवंट यू मस्ट। अचल मिश्रा की 2 फिल्में मूवी पर है, मूवी इंडिया पर है, एक गामक घर और अच्छा दूसरी एक धुईं। इज अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग फिल्म मेकर, इज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, अभी उसकी तीसरी फिल्म बनी है। हाँ, मैंने यू मस्ट वॉच धुईं, इट्स ब्यूटीफुल फिल्म, तो उसकी फिल्म करके मैं आदमी, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी ही रहेगी मेरी जर्नी, कुछ मैं कमर्शियल एकदम हार्डकोर इंटरटेनमेंट के लिए करूंगी, अब कुछ जो मेरा एक साइड, इसलिए मैं थिएटर भी बहुत करती हूँ, मैं पिछले 4-5 सालों से थिएटर बहुत कर रही हूँ, मैं फिरोज अब्बास के मुगले आजम पिछले 6 सालों से कर रही हूँ, फिर एक दूसरा उनका है रौनक एंड जस्सी वो कर रही हूँ, पटना में जाके मैंने एक चांद नाम का नाटक किया जिसके लिए 2 महीने में वहां रही, मैंने वहां पे परफॉर्म किया इप्टा के थ्रू, ये सब मेरे हैं रास्ते अपने को विकसित और खुश करने के। ब्यूटिफुल। आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? आई थिंक यू हैव विदु विनोद चोपड़ास या फिल्म। आई हैव अ वेरी स्मॉल रोल, लेकिन हाँ चूंकि विधु जी के साथ काम करने का मेरा मन था तो मैं कर रही हूँ, और एक वो है उनका 12वीं फेल करके वो फिल्म बना रहे हैं, और एक मेड इन हेवन में मैंने एक सीजन में सेकंड में मैंने काम किया है वो है, फिर तनु बहल के साथ एक फिल्म मैंने शूट हो, वैसे शूटिंग तो 3 साल पहले हो गई है लेकिन अभी रिलीज नहीं हुई फिल्म आगरा, हाँ जो कि फिल्म बाजार में भी सेलेक्टेड थी, वो है एक फिल्म, एक और फायर इन द माउंटेन्स वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म है जो कि काफी इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रही है, जिसके सनडांस में गई थी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई थी, अजीत पाल जिन्होंने तब्बर बनाया हाँ उनकी फिल्म है, तो वो भी रिलीज नहीं हुई, हमारी स्क्रीनिंग पहली स्क्रीनिंग मुंबई में हुई थी G5M में। काफी टाइम से हाँ, तो एक और इंडिपेंडेंट फिल्म मैंने किया है, कंचन पंत है फीमेल डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बेस्ड इन उत्तराखंड, तो ये सब मेरे साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट है, दैट्स इट।